जय भोजपुरी रोवा लोक से गुनी होरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहान, हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा मानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहा बानी की 10 सितंबर के दिन पूरे भारत में जो कि जितिया महापर्व के मनावल गई। आप लोग के बता दी भी कि जितिया पर्व खास तौर पर बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनावल जाला। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि पूरे बिहार में ये पर्व के बड़ा ही धूमधाम से मनावल जाला। ये पर्व के महानता ई है भैया कि आप लोग बता दी कि एगो माई अपना बेटा के लंबी उम्र और स्वास्थ्य खातिर एक दिन पूरे एक दिन ही भैया 24 घंटा, जी हाँ 24 घंटा निर्जला रह के वो जो कि जितिया व्रत करेले। जी हाँ, एगो पानी के बूंद भी अपना मुंह में ना ले जाली। 24 घंटा जो कि निर्जला रह के अपन बेटा के लंबी उम्र खाती उनका स्वास्थ्य खाती जो कि जितिया पर्व करेली। तो आप लोग बता दी भैया कि भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के माई भी जो कि जितिया व्रत कैले रही, जेकर कई गो फोटो तस्वीर आप लोग भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से देख रहा बन जा। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि कल्लू जो कि मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहे वाला हवन, लेकिन फिलहाल में उनका पूरा परिवार बनारस में रहेला, लेकिन अपन गांव से नाता नहीं खलो तोड़े। गांव पर ही बहुत ही जबरदस्त मकान उठेले वालों, जो मकान के नाम ही बात जय बिहार करके, तो गांव पर भी रह लो बनारस में भी रह लो। तो आप लोग बता दें कि कल्लू जी जो कि बिहार के बक्सर के रहे वाला हवन और बक्सर पूरे बिहार में जो कि जितिया पर्व मनावल जाला। तो आप लोग बता दें कि अरविंद केला कल्लू के माई भी जितिया पर्व कैले वाली और पूरा परिवार के आप लोग फोटो जिसे कि देख रहा बन जा भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से। तो आप लोग के रिपोर्ट कैसा लागल, आप लोग के फोटो कैसा लागल, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बता सकता नहीं जा। और साथ ही साथ ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। तो मिला था नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।